सो आर यू रेडी लिसनर्स, बात करेंगे इस वीडियो में हम ओरल एपिक की, जो कि आपके चैप्टर नंबर 18 का टॉपिक है, एम ई जी 16 का। ओरल एपिक्स क्या होते हैं? सॉन्ग्स आर नरेटिव पोएम्स इन फॉर्मूला एंड ऑर्नामेंटल बाय स्टाइल डीलिंग विद द एडवेंचर ऑफ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल। ऐसे लोगों की कहानियों को नरेट करते हैं जो कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल थे, चाहे वो वॉर की थी, लव की थी, इमोशंस है उसके अंदर, फेस्टिवल है, तो इन चीज़ों को प्रेजेंट करते हैं अकॉर्डिंग टू द थीम्स। उसके अंदर किस किस चीज़ के अकॉर्डिंग करते हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थीम्स ओरल एपिक्स इन इंडिया में भी कैटेगराइज्ड एज, इनकी कैटेगरीज कौन कौन सी है? मैरिटल, सेक्रीफाइजल, रोमांटिक एज वेल एज हीरोइक। ठीक है, हीरोइक भी है। अगर हम फीचर्स की बात करें कि इंडियन ओरल्स के कौन कौन से फीचर्स होते हैं, किस किस की टाइप्स की होती हैं, तो नैरेटिव होती है, नेचर होता है, एपिक होती है एंड हीरोइक होती है। दीज फीचर्स आर आल्सो फाउंड इन द एपिक फॉर्म ऑफ सेंट्रल एशिया। कहाँ कहाँ पे होती है? सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, एपिक इन सेल्विक एंड रोमांस लैंग्वेज। अ रिसेंट स्टडी शोज द सम अफ्रीकन प्रेजल पोएम्स आर एपिकल इन नेचर अकॉर्डिंग टू द बैंडन बैक। सम परफॉर्मेंस आर लाइक अनानमार एपिक हैव मोर पैनीग्रिक फीचर्स रादर देन नरेटिंग फीचर्स। कोमल कोठारी जो कि एक फोकलोरिस्ट हैं, वो बोलती हैं, स्ट्रेस द रोल ऑफ प्रेज सॉन्ग इन द परफॉर्मेंस ऑफ राजस्थानी फोक एपिक्स इन द इजी परफॉर्मर्स गॉड्स एंड हीरोज इन द ओरल एपिक्स ऑफ राजस्थान। ये किसने बोला है? ये कोमल कोठारी जी ने बोला है, जो कि क्या है, खुद एक क्या है, फोकलोरिस्ट हैं और वो एपिक के ऊपर काम करती हैं। इंडियन ओरल एपिक्स आर पोएटिक इन नेचर, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप उनको गा सकते हैं, उन पे एक लिरिक्स है, उसकी एक राइम बनती हुई नज़र आती है, तो इसीलिए उनको क्या बोला गया? पोएटिक इन नेचर। देयर इज़ अ शिफ्ट फॉर्म ऑफ पोएट्रीज सॉन्ग इन मेनी ऑफ द इंडियन एपिक ओरल एपिक्स हैव emphasize that the language of the epics in India is more influenced by the song rhymes rather than poetic meters. इसके अंदर क्या होता है? structure in music in another feature, एक music की form में present की जाती है जब भी इसका कहीं performance किया जाता है। epic performances are dominated by the song although there are prose and non-sung sections. song is integral to Indian epic. कहाँ कहाँ पे हैं ये? छत्तीसगढ़, गिट, तमिल पट्टू एंड तुलु, पदाना, ये सारे इनके नेम्स हैं जो कि थोड़े से अजीब हैं, मैंने यहाँ पे इस तरीके से मेंशन किए हैं। हीरोइक नेचर इज द थर्ड फीचर ऑफ एपिक। हीरोइक नेचर होता है, हीरोइक इज सीन विद अ मैरिटल एंड इज क्वाइट डिफरेंट फ्रॉम मैजिकल। मैरिटल होता है लेकिन डिफरेंट फ्रॉम मैजिकल। ह्यूमन और कैलेस्टियल, लाइक ह्यूमन बींग से रिलेटेड होता है, और कैलेस्टियल मतलब जो प्लैनेट्स होते हैं, चांद, सितारे, इन सब से रिलेटेड होता है। मैनी एपिक्स इन गर्ल्स इन सुपरनेचुरल अकरेंस, सुपरनेचुरल अकरेंस भी इसके अंदर प्रेजेंट होता है। बहुत सारी एपिक्स ऐसी होती हैं जिसमें ऐसी चीज़ों को, ऐसी पावर्स को यूज़ किया जाता है जो कि क्या होती है? सुपरनेचुरल होती है, सुपरनेचुरल पावर्स होती है। अफ्रीकन एपिक्स डू हैव मैजिकल हीरोज, ओरल एपिक्स इन इंडिया टच बोथ द ह्यूमन एंड द सुपरनेचुरल। द डिवाइन एंड द ह्यूमन आर क्लोजली रिलेटेड। और जो मैरिटल एपिक्स होता है वो किस चीज़ से डील करता है? मैरिटल एपिक डील्स विद वॉर और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट, वॉर के साथ और पॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट के साथ डील करता है। कौन? मैरिटल एपिक। रोमांटिक एपिक, रोमांटिक एपिक किसके साथ डील करता है? डील्स विद ए क्वेस्ट ऑफ लव। जैसे आपको पता है, जैसे कि जब रोमांटिक वर्ड आया तो मुस्कुराहट आ गई होगी चेहरे पर, राइट? सो रोमांटिक एपिक जो है वो लव के साथ डील करता है, प्यार के साथ डील करता है, इश्क। सेक्रीफाइस, जो सेक्रीफाइजल एपिक होता है वो किसके ऊपर बेस होता है? बेस्ड ऑन अ हीरोइक एक्ट ऑफ सेल्फ सेक्रीफाइस। सेक्रीफाइस जैसे कि शब्द ही है, सेक्रीफाइस मतलब किसी चीज़ के लिए सेक्रीफाइस करना। मार्टियल एपिक जो है वो क्लोजली फॉलो करता है लीजेंड एंड मिथ्स।
एंड फोक टेल सेंटर और रोमांटिक एपिक को, इन सारी चीज़ों को भी वो फॉलो करता है साइड बाय साइड। तो इसके अंदर हमने क्या सीखा, ओरल एपिक क्या होते हैं, उसके बाद जो ओरल एपिक्स हैं उनको कितनी कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, मर्टाइल, सेक्रीफाइजेस, रोमांटिक, हीरोइक। उसके बाद हमने क्या जाना, इसका नेचर क्या होता है, नरेटिव, नेचर, पोएटिक, हीरोइक। कौन कौन सी एशिया, कहाँ कहाँ सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं ऐसे फीचर्स, सेंट्रल एशिया, अफ्रीका, एपिक, सेल्विक, रोमांस लैंग्वेज, ये सारी चीज़ें हमने डिस्कस की। उसके बाद हमने देखा कि कोठारी ने क्या बोला है, उनका पूरा नाम क्या है, कोमल कोठारी जी जो कि एक फोकलोरिस्ट है, उन्होंने इसके बारे में क्या बोला, उन्होंने क्या बोला है, परफॉर्मर्स, गॉड्स एंड हीरोज इन द ओरल एपिक ऑफ राजस्थान। कोमल कोठारी स्ट्रेस द रोल ऑफ प्रेज सॉन्ग इन द परफॉर्मेंस ऑफ राजस्थानी फोक एपिक्स इन द एसे, और उनके एसे का क्या नाम है, परफॉर्मर, गॉड्स एंड हीरोज इन द ओरल एपिक ऑफ द राजस्थान। एज आई टोल्ड यू अर्लियर कि वो एक फोकलोरिस्ट हैं और उन्होंने फोकलोरिस्ट की फील्ड में अपना काम किया है। तो ये जो भी अभी हमने डिस्कस किया, ये ओरल एपिक्स से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, चाहे ओरल एपिक्स के टाइप्स आपसे पूछें तो उसमें भी आप स्टार्टिंग यहाँ से करेंगे, रिटन और ओरल एपिक के बारे में पूछें तो भी आप लिखेंगे, कंटेंट और टेक्स्ट के बारे में पूछें तो भी आप ये लिखेंगे, ठीक है। जहाँ भी आपको ओरल एपिक्स इन इंडिया दिखेगा, इस आंसर को, इस टॉपिक को आप हर एक जगह पे पेस्ट कर सकते हैं, लाइक ऑल इन वन बोलते हैं ना, तो ये कुछ उसी टाइप का है। अब बात करें कि ओरल एपिक्स जो होते हैं और कम्युनिटी, ओरल एपिक्स आर देयर इज अ लोकल एंड रीजनल कॉन्टेक्स्ट इन इंडिया इंगेजिंग अ वाइड रेंज ऑफ ऑडियंस, सिंगर्स एंड रिचुअल स्पेशलिस्ट, दे आर क्लोजली टाइड टू द जियोग्राफी एंड हिस्ट्री ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन, किसी जगह की हिस्ट्री से बिलोंग करते हैं क्योंकि कम्युनिटी से भी रिलेटेड है ये। द मेन करेक्टर एंड थीम्स आर क्लोजली लिंक टू द कास्ट आइडेंटिटीज ऑफ सिंगर्स एंड ऑडियंस ऑफ पर्टिकुलर ग्रुप, अ न्यू सेटिंग और इट्स लोकल यूज, लेंथी एंड कॉम्प्लेक्स नरेटिव्स आर कंड्यूट फॉर द रिक्रिएशन ऑफ सोशल आइडेंटिटीज एंड लोकल स्टबर्न हिस्ट्रीज। स्टुअर्ट ब्लैकबर्न्स एसे फोकस ऑन द जियोग्राफिकल एंड कल्चरल स्प्रेड ऑफ एपिक एंड हाउ अ लोकल हीरो गेन्स अ नेशनल आइडेंटिटी, ये बोलते हैं स्टुअर्ट ब्लैकबर्न, ब्लैकबर्न जिन्होंने इन सारी चीज़ों के ऊपर बात की है। इन्होंने ही ओरल और रिटन एपिक की बात की है, इन्होंने ही एपिक्स इन परफॉर्मेंसेस की बात की है। ओरल एंड परफॉर्मेंसेस में क्या आ जाता है, ओरल एपिक्स आर हाईली वेरिएबल, द परफॉर्मेंसेस ऑफ ओरल एपिक चेंज द वर्क, समटाइम्स ही ओमिट सम डिटेल्स फ्रॉम द ओरिजिनल वर्जन एंड अदर टाइम्स एड एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द सोशल ग्रुप, कि परफॉर्मेंस के अकॉर्डिंग चीज़ें बदल जाती हैं कि उसके अंदर कुछ चीज़ें ऐड करनी है या कुछ चीज़ों को हटाना है। उसके बाद स्टुअर्ट ब्लैकबर्न बोलते हैं कि जो एपिक है वो ओरल और रिटन दोनों फॉर्म में है, इससे पहले की वीडियो में हम कंप्लीट कर चुके हैं और इसके स्ट्रक्चर और कॉन्टेक्स्ट की बात करते हैं जो कि हम डिस्कस कर चुके हैं पहले की वीडियो में, आला, अनानमार, बोसोंग, कनाडियन, देवनारायण, ढोला, इन सारी टॉपिक्स को हम डिस्कस कर चुके हैं उसके अंदर। तो ये एक कंबाइंड आंसर बन जाता है, एक कंबाइंड टॉपिक बन जाता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ओरल एपिक्स क्या होते हैं, ओरल एपिक्स के वर्क क्या होते हैं, किस थीम्स पे लिखे जाते हैं। जैसे कि रोमांटिक एपिक है वो किस चीज़ पे डील करता है, मर्टाइल एपिक है वो किस चीज़ से डील करता है, सेक्रीफाइजल जो एपिक है वो किस चीज़ से डील करता है। तो मैक्सिमम जितने भी एपिक्स होते हैं वो अपने अवॉर्ड के अकॉर्डिंग डील करते हैं, जैसे कि सेक्रीफाइज एपिक सेक्रीफाइस से रिलेटेड है, रोमांटिक एपिक प्यार मोहब्बत इश्क से रिलेटेड है, तो लोकल लैंग्वेज में बोल रही हूँ आप इसे कह सकते हैं लव से रिलेटेड है, कॉन्क्वेस्ट ऑफ लव, बिलवर, दिस एंड दैट, इन सब से रिलेटेड है। ये तो मैं आपको समझाने के लिए कर रही हूँ क्योंकि आप थोड़ा बोर हो गए हो तो सोचा थोड़े से ऐसे वर्ड्स यूज़ किए जाएँ जो आपको थोड़ा सा एनर्जी दें, राइट। तो इन सब में ये सारी चीज़ें कवर हो जाती हैं। नोट्स बना लेना, बिना नोट्स बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी 16 को डील करना, क्योंकि 16 पे लेक्चर्स भी अवेलेबल नहीं है, बुक्स थोड़ी ब्लैक एंड वाइट है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।